की तारीख में पार्टी के लोगों को छोड़ दो, बेचारे उनकी मजबूरी होती है, जुड़ाव होता ही है। अधिकांश ये आदमी जानता है कि जितने भी उम्मीदवार बनेंगे उसमें किसकी सोच क्या है और इस गंगापुर के लिए कौन क्या करेगा, सब जानते हैं। और अब की जो फैसला होगा वो ठाकुर जी करेगा, और ऐसा फैसला करेगा तो 25 साल में नहीं है। क्यों? पब्लिक वोटर बहुत होशियार हो गया है, कुछ कह नहीं पाता है, बुरा क्यों बने, बनना भी नहीं चाहिए। अब तो केवल राजयोग का खेल है, जिसको होगा वो चला जाएगा। मुझे सेवा करनी है, सुनो अब क्या सेवा करनी है। सबसे पहला काम पाँचने का पानी खुलवाना, वो खुल क्यों नहीं रहा, सुनो आप। इधर तो मेरे मीना भैया है, इधर मेरे गुजर बाबा है, मीना समाज से मेरे बनता है गुजर समाज के डोगनी थे, गुजर समाज से मेरे बनता है मीना समाज के डोगनी थे। या बढ़िया को बेटा, इधर गुजर बाबा होंगे, इधर मेरा बाबा होंगे, सबके लोग दूंगा दादा, और खुल जाएगा, 5 मिनट में खुल दूंगा, 5 मिनट में, 5 मिनट लगेगी, 5 मिनट का मैं दूंगा ढोक। कुछ है ही नहीं है, पेज तो फंसा रखा है नेताओं ने इसको पेज को फंसा रखा है। दूसरा काम सुनो, गंगापुर की विधानसभा में 5 महीने सरसों की फसल जब उगती है किसान परेशान है, बेचारा बोने के बाद कटने तक दुखी रहता है। क्यों रहता है? जिसके पास व्यवस्था है, सुविधा है, वो तो अपनी तारबंदी करा देता है, और जो गरीब कमज़ोर है बेचारा वो परेशान है, ना तो रात को सो पाता है ना रोटी खा पाता है। हर 2-3-4 गांव के अंदर आवारा पशुओं के लिए एक गौशाला बनवाऊंगा 4-5 महीने के लिए, जिससे चारा पानी उनको रख करके किसान चैन की नींद सो सके और आराम की रोटी। एक काम, दूसरा काम यह है, शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था खराब है। क्यों? एक मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की आती है, अब बेचारा कैसे छोड़ के जाए, किसके जिम्मे छोड़ के जाए, पार्किंग है ही नहीं है। मैंने 4 जगह चिन्हित कर रखी है पार्किंग के लिए। सबसे पहली हमारे पास जेल को हटाऊंगा, पार्किंग 5 मंजिल की, 1 में पार्किंग, बाकी का बिजनेस कॉम्प्लेक्स, नगर परिषद को इनकम होगी। कैलाश टाकी वही सब है, पुरानी नगर पालिका, ये वेयर हाउस पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, ये सब्जी मंडी है, कोई एक बरसात हो जाए तो कुछ जा नहीं सकता है। नगर परिषद साफ नहीं करती है, सबको रुपये चाहिए, सबको हराम की लग गई है, सब नेता हराम ही है, गए भ्रष्ट है, गंगापुर में सब नेता भ्रष्ट हो सके, क्यों? सबको पैसा चाहिए, दुनिया से मतलब है, गंगापुर के नेताओं को पैसे से मतलब है। इन सबको छुड़वाऊँगा, 5 मंजिल की बनवाऊँगा बिल्डिंग, 1 मंजिल में पार्किंग, 1 में सब्जी मंडी, 2-3 मंजिलों में कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े बाजार खुलवाऊंगा। इससे क्या होगा? नगर परिषद को इनकम होगी, गंगापुर के लोगों को साफ सफाई मिलेगी, पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी, कोई लेके नहीं जाएगा, और कोई ले जाएगा जयपुर की तरह क्रेन आएगी, चल भैया लिया रसीद कटा ला ले जा, पार्किंग चाहिए पहले, अपन किससे कहें, आज मेरी गाड़ी है मैं भी छोड़ सकता। ये काम। दूसरा, नए बाजार की समस्या है, पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ वो समस्या तस्वीर। 2013 के चुनाव में नेताओं ने कहा हम इसको नए बाजार की समस्या दूर कर देंगे, 10 साल हो गई जो कि तो बाजार खड़ा है। कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, करोगे तो होगा। देखो नहर, वो नहर में 16 करोड़ रुपये लगे, कितने 16 लगे, ज़्यादा लगे, 16 लगे, 16 करोड़ में सूखी पड़ी है नहर गंगापुरी, खा गए सब पैसा, खा गए 16 करोड़ खा गए, जनता का पैसा खा गए और खा जाएंगे, और ऐसे भ्रष्टाचारी आ गए ना तो आप गंगापुर खाएंगे पूरे को, अगले 5 साल में सब खा जाएंगे, नहीं छोड़ रहे तो इनको तो धंधा करना है, सिर्फ अगर बनिए धंधा करना है। अरे यार पब्लिक की सोचो, ये पब्लिक भी कुछ चाहती है, कुछ करो इनके लिए। एक बताऊँ, मैं जब गंगापुर में आया था 1 लाख रुपये थे मेरे पास, कितने कि मैं 1 लाख पता नहीं यार कितने लाख है, क्या करूँगा इसका, ज़्यादा पैसा आदमी की नींद हराम कर देता है। बस गलती करो, भुगत भुगत मैंने गरीबी देखी है, बुरा पैसा आएगा संतान बुरी हो जाएगी और कुछ बुरा हो जाएगा, बुरा पैसा बुरा काम करता है। अरे उस पैसे को पब्लिक के लिए लगाओ, काम करो और जनता की सेवा करो, राजनीतिक मंच है सेवा के लिए है। कोई प्रॉपर्टी को काम कर रहा है, कोई भूमाफियान को पाल रहा है, कोई दारू माफिया ने पाल रहा है, माफिया पाल लिए और पालिए माफिया, हर महीने पैसा आ रहा है इनसे, इनसे माफियाओं से। अरे भाई
पब्लिक की सोचो, खूब पैसा पैदा करो, कोई मना नहीं करता, पैसे के लिए कौन मना करेगा, खूब हो, लेकिन जनता की भी सोचो, जनता के लिए सुविधा करो, पब्लिक की सोचो। और जब तक पब्लिक की नहीं सोचोगे, पब्लिक उखाड़ फेंकेगी। और सुन लो, आज कहते जा रहा हूँ, अगर राजा राम जी की तरह मेरा राजयोग नहीं हुआ जब तो मैं मेरे घर बैठा हूँ, और नहीं मैं नहीं रुक रहा कोई पे भी, कैसो पैर बना जी मेरे सामने, पैसा मारा आजी हो, जूता मारा आजी हो, नहीं रुक रहा। सुनो, एक गाड़ी से करूँगा प्रचार, एक गाड़ी से, अकेला ही अकेला ही करूँगा और अकेले जीत के आऊँगा। क्यों? ठाकुर जी संग है, माने कह रखी है मुझसे, बढ़िया के महाभारत को युद्ध हो, पांच पांडव कौन है, पांच पांडव, लेकिन सारथी कौन है, भगवान कृष्ण, मेरे साथ मुझे विश्वास है, कौन है सारथी, भगवान। इसलिए हिम्मत करिए, बढ़िया की हिम्मत, और गंगापुर में चुनाव लड़ जाए, बढ़िया की हिम्मत ले सकती है, उसकी कृपा, चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव जीत रहा हूँ। सर, जैसे आपने बीजेपी से टिकट मांगा था और बागियों के चुनाव लड़ रहे हैं, आपने बीजेपी पार्टी को छोड़ोगे या उसके साथ? मेरी अर्ज सुनो, मैं बागी नहीं हूँ, बागी कौन होता है, पीठ में छोड़ो घोपे, जैसे मैंने आपसे कही भाई साहब मैं बंदूक को मारूंगा, मेरा दोष नहीं है, गलती आपकी है, क्या आप नहीं समझे, मैंने आपसे पहले कह दी बंदूक मारूंगा पीछे से, आपको समझना चाहिए, मैंने पार्टी से पहले कह दी पार्टी चुनाव टिकट नहीं देगी, चुनाव लड़ूंगा, एक महीने पहले लिख के भेज दिया सबको ऊपर नीचे तक, मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी, निर्दलीय चुनाव। भाई बागी कौन होता है जो कह के नहीं करे अचानक, मुझे 13 साल है कि भाई साहब, लोग तो दो दो महीना बाकी है गए, आपकी ऐसे ऐसे नेता है गंगापुर में, 2 महीना बाकी है गए, मेरे को 13 साल है गई, अब खाते का मैं मरने जा रहा हूँ, अगले 5 साल जरूर मैं जिंदा रहूँ मरूँ, तो ये जो गैस बन रही है राजनीति की, देखता किस कट जाएगा निकल जाएगी, आप समझो, और गैस की बीमारी बहुत बुरी होती है, गैस शरीर में सोच जगह दर्द कर देती है, करती भी करती है, मेरा भी गैस बन रही है, 13 साल हो गई गैस को बनते बनते, अब की यार गैस निकाल दूंगे। धन्यवाद, आप सब लोगों के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, मैं बनिया हूँ, इस दुनिया में बनिया से ज़्यादा गरीब क्यों नहीं है, सुन लो आप, मैं इसी के मोहल्ले में जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ, हम बनिया आपसे ज़्यादा कमज़ोर है, वो कैसा कमज़ोर हो, सेठ बहुत पैसा मारो, तो मैंने कि मैं आपसे गाड़ी दे दूँ अभी, हवाले ST SC केस में चल भीतर, और मुँह से 100 गाड़ी दे जा, सुन के बैठना पड़ेगा, हमारे पास कोई अधिकारी नहीं है, कानून नहीं है मेरे दर, हमसे ज़्यादा का मुझे कौड़े दुनिया में कोई नहीं है ना, तो बनिया हूँ, कमज़ोर हूँ, तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर देता हूँ, सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया से, इस बनिया की सुनना, बनिया की फैलाना, मेरी नहीं ये जनता की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है, मैं आपसे गलती नहीं कर रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ है, और जो मेरे इस युद्ध में संग देगा, इस महाभारत के युद्ध में, मैं पूरे जीवन उसका ऋणी रहूँगा, सुनना, जो मेरा सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जनता हो, जो इस युद्ध में महाभारत के युद्ध की जो मेरे साथ रहेगा, मैं इस पेड़ के नीचे आएगी, मुझे लगता है बटब्रश, क्यों, जब से गंगापुर में आया उसको यही देख रहा हूँ मैं, तो इसको ही बटब्रश मांगूंगा, मैं शौक दिखा रहा हूँ उस बटब्रश की, अगर मैं मेरे बन जाता हूँ, और जो मेरे साथ रहेगा, जो इस हवन में आहुति डालेगा, पूरा जीवन ऋण भर मैं रेडी रहूँगा, और मेरा परिवार ही रहेगा आपका, क्यों, आपकी चुनाव नहीं है ये, चुनाव होता तो हजारों आदमी मेरे साथ होते, हजारों गाड़ियाँ होती, अकेला आया हूँ फार्म भरने के लिए आया हूँ, पर ठाकुर जी ने करो बनिया के, चल मारे मेरे सारे, जा चुनाव में लड़, ऐसा करो बनी, इसलिए लड़ रहा हूँ, पब्लिक के लिए लड़ रहा हूँ, जनता के लड़ रहा हूँ, जनता की न्याय करूँगा, जनता के लिए चुनाव लड़ूँ, मेरा कोई किसी को मतलब नहीं है, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग मेरी आवाज़ को ऐसे फैलाना, ऐसे जानी चाहिए जिससे लोगों को ऐसा लगे कि यार बनिया को लाल बैठता हूँ, क्योंकि बनिया ही दुनिया के जहरे पी सके, कोई की बस की नहीं है, बनिया के अलावा धरती पर कोई जहर पी जाए, अगर बनिया जहर नहीं पिए हैं तो धरती पर जहर ही जहर मिलता हो, तो एक बनिया ही है जो जहर को पी सकता है, और सबको राजी करूँगा, 36 की 36 को 5 मिनट के पानी को तो फेंच के ऐसे सुलझा दूंगा, 5 मिनट लगाऊंगा, 5 मिनट मैंने सवाल खा रखी है, मुझे चाहे डंडो देनी पड़े मैंने भगवान की, गुजर भगवान की, 5 मिनट लगाऊंगा, सबसे बड़ा काम है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी आपसे की अर्ज है, मेरी आवाज को जनता की आवाज मान करके और पहुंचा, धन्यवाद।